नमस्कार, आरआरएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध में बिगड़ते हालात के बीच कहा है कि यूक्रेन में उनका अभियान योजना के मुताबिक चल रहा है। उनका कहना है कि वो तब तक सैन्य अभियान खत्म नहीं करेंगे जब तक कि कीव लड़ना बंद नहीं कर देता। साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने दोहराया है कि सैन्य अभियान जारी रहेगा। जी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामा पा 2021 विनर को अपने इस सीजन की विनर मिल गई है। पश्चिम बंगाल की नीलांजना रे ने अपनी मधुर आवाज से सबसे ज्यादा वोट हासिल करके इस शो का खिताब अपने नाम कर दिया है। बता दें कि यंग सिंगर को सारेगामा पा की ट्रॉफी के साथ साथ 10 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। राजस्थान में गर्मी फाल्गुन में ही अपने रंग दिखाने लगी है, जहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान फलौदी में 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा जालौर में ये 35.5 डिग्री, सिरोही में 35.5 डिग्री, बाड़मेर में 34.7 डिग्री, जोधपुर में 34.3 डिग्री व चित्तौड़गढ़ में 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को हराकर आईसीसी महिला विश्व कप 2022 अभियान की धमाकेदार शुरुआत कर दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच 6 मार्च को चौथा मैच खेला गया था। इसी बीच मैच से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसे देख किसी का भी दिल पिघल जाएगा। हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये दिन न केवल महिलाओं के योगदान और बलिदान को सम्मानित करता है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। इस दिन सभी अपने जिंदगी की अहम महिलाओं को उनके जीवन में योगदान देने के लिए धन्यवाद देते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।